आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक फंडा ऑफ बेसिक मैथ में। आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो मैंने नोट डाउन कर लिया, 5 का फर्स्ट पार्ट ये है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें पहले एक साइड लेनी होती है। हम लेते हैं एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस कौन सी साइड है? दिस वन इज एलएचएस साइड। तो ये है हमारी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा जो है इसको हमें साइन कॉस इनवर्ट कन्वर्ट करना है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका क्या है? होल स्क्वायर, ओके। इसके बाद साइन थीटा हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। जो काम कर सकते हैं पहले हम वह करें। तो ये बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके नीचे भी साइन थीटा है, इसके नीचे भी साइन थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, ओके। इसके बाद क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा अलग अलग कर लेंगे, अंश का कर दिया हमने स्क्वायर और यहाँ हर का साइन स्क्वायर थीटा, ओके। कल ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे क्या लिखेंगे हम? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अभी हमको अपना ये देखना है कि हमको ये लेकर के आना है, यहाँ तक पहुँचना है, इसमें क्या जोड़े क्या कटाई क्या कर सकते हैं उस तरीके से। तो हमें क्या करना है? इसका भी हम स्क्वायर कर दें। तो ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके। तो हम करते हैं, यहाँ करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हमें छेड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ दे रखा है, वही आना है। ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या? चलो इधर लिख देते हैं, क्या बचा ये? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, नीचे हर में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हमारी क्या है? आरएचएस। क्या है ये हमारी? आरएचएस, यही हमें लेकर के आना था। तो फर्स्ट पार्ट इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट क्या है? मैंने कॉपी कर रखा है, तो ये हमारा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू हमें लेकर के आना है 2 sec, ओके। इसमें भी हमें पहले क्या करना है? LHS लेनी है, तो मैं लिख नहीं रही हूँ LHS को क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाता है फिर। तो एक बड़ी लाइन खींचेंगे और ये क्या ले लेंगे हम? LCM, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ओके। अब जब हम LCM ले रहे हैं इधर करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस साइन ए, तो इसके नीचे है क्या? नहीं है कॉस ए, तो कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, ओके। यहाँ पर प्लस जो साइन दिया हुआ है वो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर, ओके कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बोलेंगे हम, तो क्या होगा वन का स्क्वायर वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके। वन का स्क्वायर वन प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन अपॉन वन प्लस साइन ए कॉस ए, ओके यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या है, मैंने एक सर्वसमी का बताई थी आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है वन होता है, तो इसकी जगह ये और ये इन दोनों की जगह क्या लग जाएगा वन पुट हो जाएगा, तो वन प्लस ये वाला वन प्लस टू साइन ए अपॉन नीचे तो कुछ कर ही नहीं सकते साइन ए और कॉस ए, ओके। आगे क्या होगा ये हमारा वन अपॉन टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए कॉस ए, इसमें क्या होगा हमारा इधर कर देते हैं थोड़ा उधर दिख नहीं रहा है, टू कॉमन लेंगे हम यहां से टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां से टू हमारा बाहर आ गया तो क्या बचा वन प्लस यहां से भी टू हमारा बाहर हो गया तो क्या बचा साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखो सेम है वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारा टू अपॉन कॉस ए। अब आपको ये भी पता होगा कि वन अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए, किसके सेक ए के, तो ये हो गया टू तो ऊपर ही है हमारा अंश में है टू इंटू वन अपॉन कॉस ए सेक ए, तो ये हो गया हमारा सेक ए। यही हमें क्या लेके आनी थी आर एच एस, यही है हमारी, यही लेके आना था सॉल्व करना था। आई होप आज के आपको दोनों हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन हमारी वीडियो में आ रहे हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि वो क्वेश्चन कराए जाएँ जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व करें घर पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।